देखिए पहला लेक्चर जो था वो अगर मान लीजिए इसी में ऐड करते तो बड़ा हो जाता, ठीक ना। इसीलिए मैंने इसको जो है सेकंड लेक्चर बना दिया, ठीक ना। सेकंड लेक्चर में जो है आप देख रहे हो। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का, ठीक ना। तो क्लासिफिकेशन हम बहुत सारे जो है कर सकते हैं बेसिस पे। तो सबसे पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में केवल एक हैलोजन एटम है तो इसको बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं? मोनो हैलो एल्केन। देखिए इसमें केवल एक ही हमको दिख रहा है क्या, हैलोजन एटम, तो इसको बोला जाएगा मोनो हैलो एल्केन। अच्छा यदि हमको दो दो दिख रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक ना। इसको बोलेंगे डाई हैलोजन। क्या बोल दिया जाए? डाई हैलोजन। तो क्या बोल सकते हैं बताइए, डाई हैलो एल्केन, ठीक ना। यहाँ लिख रहे हैं डाई हैलो एल्केन, ठीक ना। और जब दो से अधिक हो जाते हैं ना तो इनको हम लोग पॉली बोल देते हैं, ठीक ना। क्या बोल देते हैं? पॉली बोल देते हैं, ठीक है। तो बताइए लिख सकते हैं आसानी से, क्या देखें यहाँ पे जो है आपका क्या है, तीन तीन दिख रहा है, एक दो तीन। तो या तो ट्राई बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, पॉली हैलो एल्केन, ठीक है। बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऐसे ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन, और ये क्या हो जाएगा, पॉली हैलो एरिन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, देखिए फिनाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो, ठीक ना। मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, ट्राई या पॉली बोल दो आपकी इच्छा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एरिन का भी ऐसे ही होता है। अच्छा अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब कंपाउंड कंटेनिंग sp3cx बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड के बारे में हमको बात करनी है जिसमें हमारा ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब आप समझ गए होंगे कि हमारा कार्बन जो है वो क्या है, चार सिंगल बॉन्ड बनाया है। कितने सिंगल बॉन्ड बनाया है? चार सिंगल बॉन्ड बनाया है, तभी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन का, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। तो देखिए तो इसमें जो है सबसे पहले जो हमारा आता है ये आता है जो चैप्टर का नाम स्टार्ट हुआ है हमारा एल्किल हैलाइड, जिसको आप लोग हैलो एल्केन भी बोलते हो। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और क्या हो जाएगा आपका X। X क्या है यहाँ पे आप लोग जानते हो, X हैलो ग्रुप है और X क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई एक लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा कैसे ये आया है तो हम जानते हैं कि हमारे पास एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकलता है तो ये बन जाएगा CnH2n+1 और एक वैलेंसी इसकी खाली हो जाएगी। ये अगर हमारा एल्केन है तो एक हाइड्रोजन निकलने के बाद से क्या ये बन जाता है, एल्किल बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्किल बन जाता है। और जब इसमें हम किसी एक्स को यानी हैलोजन को जोड़ देंगे तो वो हैलाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन जुट गया तो फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन जुट गया तो क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन जुट गया तो ब्रोमाइन और आयोडीन जुट गया तो आयोडाइन, ठीक है। तो इस तरह से इसका जनरल फार्मूला क्या याद रखेंगे हम लोग, CnH2n+1 X। X क्या है? हैलोजन ग्रुप, कोई भी क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हो, ठीक है। चलिए तो इसमें जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। प्राइमरी क्या होता है तो जिसमें हमारा जो ये कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए अभी एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहाँ पे एक आर था, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये जो है हमारा एक्स। एक्स का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा हो, मतलब एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हो, देखिए केवल एक ही एल्किल ग्रुप हमको दिख रहा है, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग प्राइमरी या वन डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्राइमरी बोलेंगे, या तो प्राइमरी बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए, वन डिग्री बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा यदि हम इस तरह का कोई कंपाउंड लिखे आर, यहाँ पे आर डैश ले लिया, कोई नया एल्किल ग्रुप या आप सेम एल्किल ग्रुप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एल्किल ग्रुप मतलब CH3, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2 कुछ भी ले लो, एक एल्केन में से जो है एक हाइड्रोजन निकाल देना है। प्रोपेन से निकालोगे प्रोपीन मिल जाएगा, एथेन से निकालोगे एथिल मिल जाएगा, मेथेन से निकालोगे मेथिल मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये एक्स जुड़ा हुआ। अब देखिए ये जो एक्स हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन कितने अदर एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है,
दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ भी कार्बन होगा और यहाँ भी कार्बन होगा, ठीक है, क्योंकि एल्किल ग्रुप है तो उसमें कार्बन तो होना ही है, क्योंकि एल्केन से होता है और एल्केन में कार्बन होते ही है। तो यहाँ पे हमारा जो है देखिए दो दो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है, या टू डिग्री भी बोला जाता है। और एक एग्जाम्पल हम और लिखेंगे, ठीक है, देखिए जिसमें ये वाला भी हाइड्रोजन हट जाएगा यहाँ से, देखिए सी ये आर डबल डैश यहाँ पर दिया, ये पहले से ही था आर डैश, ये आर पहले से ही था, ठीक है, और यहाँ पे एच। इस बार हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन तीन अदर कार्बन से, या बोल सकते हैं तीन अदर एल्किल ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी। क्या कहते हैं इसको, टर्शियरी, टर्शियरी, या क्या बोल सकते हैं इसको, थ्री डिग्री बोल सकते हैं। तो ये है हमारा क्या, वन डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है हमारा टू डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये है हमारा थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन धीरे धीरे जो है हम लोग करते करते जो है आगे बढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं जो है इसका आगे वाला जो है एलआईडी क्या होता है हमारा, ठीक ना। चलिए तो देखिए अब जो है हमारा अगला जो है sp3, मतलब हम जो भी देख रहे हैं अभी वही कंपाउंड देख रहे हैं जिनमें हमारा जो है कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, जिससे हमारा हाइड्रोजन जुड़ा है। देखिए ये कार्बन जैसे है, ठीक है, x एक इधर बना दिया, एक सिंगल बॉन्ड इधर बना दिया, दो और दो इस हाइड्रोजन के साथ, चार सिंगल बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज पढ़ चुके हो। देखो तो अगला हमारा होता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड समझ में आ गया आपको, ठीक ना, कि इसमें जो है हमारा एल्किल ग्रुप से जुड़ा होगा कार्बन। कौन सा कार्बन, जो कार्बन हमारे हाइड्रोजन ग्रुप से जुड़ा है, यदि वो एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वन डिग्री, अगर दो एल्किल ग्रुप से जुड़ा है तो टू डिग्री, तीन कार्बन से जुड़ा है तो थ्री डिग्री। अच्छा उसमें एक जो है अगर केवल सिंगल जो है डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे मान लीजिए पीछे जो बताया है उसी में का, अगर ऐसे हो CH3X, ठीक ना, तो ये जो है हमारा ये होता है मेथिल हैलाइड, ठीक ना, इसमें एक ही कार्बन है, ठीक ना, तो ये हमारा मेथिल हैलाइड होता है। इसको वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री हम लोग नहीं बोलेंगे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला हमारा क्या है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो जिसमें हमारा कार्बन एटम जुड़ा है एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, हमारा कार्बन एटम जो है किससे जुड़ा है, उस कार्बन से जुड़ा है जो कि एक डबली बॉन्डेड कार्बन, मतलब समझिए हमको इससे मतलब है, देखिए ये हमारा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन जुड़ा होना चाहिए एक डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। देखिए तो हाइड्रोजन हमारा एटम इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन जुड़ा है एक डबली बॉन्डेड कार्बन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। देखिए यहां देखिए समझ में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम किस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन किससे जुड़ा है, ये एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ऐसे समझिए कि ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम, ये किससे जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन एक डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, तो इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। क्या कहते हैं, एलाइलिक। ध्यान दीजिएगा ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ठीक है, ये जनरली क्या है आपका, ये तो साइक्लो है, इनमें साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लोहेक्सीन जिसको बोलते हैं, उसी में जो है क्या जोड़ दिया गया है, इसको बोल जोड़ दिया गया है एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बेंजीन तभी होता है जब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अच्छा ये 11th में क्लास 11th में पढ़ाया गया, देखिए तो अगला हमारा, देखिए अगला हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड। तो अभी भी हमारा कार्बन ये जो है ये sp3 है, देखिए एक इधर बॉन्ड, दो इसके साथ, एक सिंगल बॉन्ड, अभी भी sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसको बेंजाइलिक क्यों कहते हैं, तो जो हमारा कार्बन एटम हाइड्रोजन से जुड़ा है वो यदि एक बेंजीन रिंग से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, बेंजीन रिंग से, या बोल सकते हैं एरोमेटिक रिंग से जुड़ जाए, तो इस प्रकार के हैलाइड को हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड, क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने क्लासिफिकेशन कर दिया उन कंपाउंड्स का जिनमें हमारा कार्बन एटम जिस हाइड्रोजन एटम से जुड़ा था वो sp3 हाइब्रिडाइज थे। कौन से हाइब्रिडाइजेशन था उनके पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें हमारा कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा और फिर उसके पास जो है sp हाइब्रिडाइज होगा। तो हम जो है आज जो है इतने भी लेक्चर जो है अपना क्या करते हैं, बैठक करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है आपको कल का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, चूँकि कोरोना का जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, और जहाँ पे ये वीडियो बन रहा है
यहाँ पे तो लगभग 7-8 मरीज मिल चुके हैं कोरोना के। तो इस बात को ध्यान रखते हुए जो है आप लोग जो है अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक ना। हम लोग भी जो है बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं आपकी वीडियो को जो है बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को जो है पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें जो है आप अपना नोट्स जो है कंप्लीट करते जाइए सेकेंड पेपर, ठीक है। बाकी जो है इस चैप्टर में रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे।